यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष क्रिस पीटर्स ने 14 जुलाई 2023 को 4 सदस्यीय टीम के साथ आगरा मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए दौरा किया। ये परियोजना यूपीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार के नेतृत्व में क्रियान्वित की गई। पिछले साल भी ईआईबी के निवेश अधिकारियों की एक टीम ने यूपीएमआरसी के सभी मेट्रो परियोजनाओं का दौरा किया था और आगरा मेट्रो परियोजना की प्रगति वस्तक समय सीमा के अंदर हो रहे कार्य के विकास से बेहद प्रभावित हुए थे। क्रिस पीटर्स ने शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों के साथ ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन, आगरा मेट्रो डिपो और आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का दौरा व निरीक्षण किया। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष क्रिस पीटर्स ने कहा कि यूरोपियन संघ के बैंक के रूप में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को इस परियोजना में अपने योगदान पर गर्व है, क्योंकि इससे ऐतिहासिक शहर आगरा के नागरिकों और पर्यटकों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मदद मिलेगी। पीटर्स ने कहा कि पूरी तरह मेट्रो बन जाने पर ईआईबी के सहयोग से निर्मित आगरा मेट्रो रेल आगरा शहर में रहने वाले 20 लाख से अधिक लोगों को यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। विकास के दृष्टिकोण पर आधारित ईआईबी के द्वारा कुल 450 मिलियन ऋण का ये निवेश शहर में हवा की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण की रक्षा करते हुए कार्यालयों, अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों और बाजारों तक सुगम, सुलभ और किफायती संभव बनाता है। ये इसका भी उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय जानकारी लोगों और व्यवसायों को के लिए ठोस सुधार ला सकती हैं, वहीं जलवायु कार्यवाही और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान कर सकती है। इस तरह की परियोजनाओं के माध्यम से यूरोप और भारत के बीच सहयोग को बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत गर्व है। 400 million euros and we are very proud to see the result of our financing and we are convinced that it's not only very positive for the urban transport but also for the society living in the neighborhood of this very nice metro station. डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।